ऐसी हवा चल रही थी सारी भी। अरे जहरीली हवा छोड़ो बादल जी, कहा बता आसमान से तरी कहो पानी वानी गर्जे, कहा बता वैसा माथा गर्म हो गया हमारा, इतना वैसा माथा पसीना चुरा था कि पैंट के अंदर तक चला गया, कपड़ा तर बितर हो गया था, और बाराबंकी जनपद के वैसा एक मैरिज लॉन में पीस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता किया गया, बकायदा वैसा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, और मुख्य अतिथि के तौर पर वैसा आरिफ हाशमी आए थे, मतलब इनका नाम जो पीछे वाला हाशमी है ना, इनको सुनकर के बाद सब कोई इमरान हाशमी की याद आती है। फिलहाल मुस्कुराइए मत, आप कहा बताएं शिवनाथ यादव भाई साहब नए नए जिलाध्यक्ष बने, साथ में भाई साहब आरिफ हाशमी क्या कह रहे हैं, इनकी बात सुनिए भाई साहब पेशे से वकील हैं, तो वकील साहब क्या कह रहे हैं सुनिए, फिर हम आगे और सुनाते हैं कि भाई साहब नए नए जिलाध्यक्ष क्या बोले। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का रवैया है जो धर्म के नाम पर मजहब के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रही है, जो राजनीति धर्म के आधार पर कर रही है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस समाज को जोड़ने के लिए पीस पार्टी पूरी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से काम कर रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी का जो मिशन है एकता का राज चलेगा हिंदू मुस्लिम। तो आसमी साहब तो भाई साहब नए नए जिलाध्यक्ष को घोषित कर दिए, साथ भाई साहब उत्साहित भी काफी ज्यादा दिख रहे थे और हैरान भी करते कि देखो भाई देखो हिंदू मुस्लिम एक साथ चलेंगे। इधर भाई साहब जिलाध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, नए नए बने मतलब सुनते हैं क्या बोलते हैं। मिली है जिम्मेदारी, हम पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे और बूथ लेवल तक हम अपनी पार्टी को पहुँचाएंगे। क्या दिमाग में है, कैसे क्या करेंगे ना, हमारे दिमाग में पत्रकार साहब से बहुत कुछ चल रहा है भाई साहब, पसीना तो ना चुरा रहा, पूछो ना भैया, मोबाइल पकड़े पकड़े हाथ थरथरा गया था। फिलहाल भाई साहब जिलाध्यक्ष क्या करें, इनकी बातों को सुनिए वरना लोग हम पर चल बैठे। अभी जो है जो हमारी पार्टी का मिशन है, पार्टी की जो घोषणाएँ हैं, जो पार्टी का नियम कानून है, उसको जो है अपने दिमाग में रखते हुए गाँव स्तर पर बूथ स्तर पर जाएंगे, हम विधानसभा स्तर पर अपने विधानसभा टीम को जो है तैयार करेंगे, फिर ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक अध्यक्ष अपना बनाएंगे, उन्हीं सब अपनी टीम को लेके पूरे गांव हर बूथ स्तर पर जाएंगे और पार्टी का एजेंडा जो है उस पर काम करेंगे, चुनाव भी लड़ाएंगे। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का हमारे प्रति आदेश होगा उसको पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम करेंगे। वह जिलाध्यक्ष जब आपकी बातें सुनने के बाद हमारा कलेजा तार तार हो गया, पूछो ना भैया। अब जल्दी से भाई सब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करना कतई मत भूलना, बाराबंकी से भाई सब हर जुड़ी खबर दमदार खबर इसी में मिलेगी भैया, ठोको ठोको शेयर करो यार।